दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। दोस्तों अब तक आप सब जान ही गए होंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की चार्जिंग के लिए हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को चार्जिंग स्टेशन तक ले जाना पड़ता है। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि अगर ऐसा हो सकता कि इलेक्ट्रिक चार्जिंग स्टेशंस खुद चलकर हमारे पास आते और इस समस्या का समाधान मिल जाता। जी हाँ, अब इस समस्या का समाधान संभव है और ये संभव कर दिखाया है EZ4EV कंपनी ने। ये कंपनी बैटरी स्टोरेज और चार्जर डेवलपमेंट कंपनी है और हाल ही में इन्होंने घोषणा की है कि वो ऑन डिमांड मोबाइल इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशंस लॉन्च करेंगे। इस सर्विस का नाम EZ ऊर्जा इजी ऊर्जा होगा, जिसे अगले 3 महीने में पेश किया जाएगा। इन मोबाइल इलेक्ट्रिक व्हीकल्स चार्जिंग स्टेशंस को ग्राहकों द्वारा चुने हुए लोकेशन पर लगाया जाएगा और ग्राहक आसानी से मोबाइल ATM की तरह इन इलेक्ट्रिक मोबाइल चार्जिंग स्टेशंस को ढूंढ सकेंगे। मतलब ये मोबाइल चार्जिंग स्टेशंस खुद ब खुद चलकर ग्राहकों तक आएगा। EZ ऊर्जा मोबाइल चार्जिंग स्टेशंस को अलग अलग शहरों और हाईवे पर लगाया जाएगा, जिसमें छोटे शहर भी शामिल हैं। इन चार्जिंग स्टेशंस का मुख्य उद्देश्य बेहतर इलेक्ट्रिक व्हीकल कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है। ये चार्जिंग स्टेशन चार्जिंग ऑन डिमांड सिस्टम को फॉलो करेंगे, जिससे मॉनिटरिंग और ऑपरेशंस को व्यवस्थित करने में मदद मिलेगी। कंपनी के एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सतेंद्र सिंह ने बताया कि हमारी पेशकश EV मालकों की रेंज की चिंता को कम करेगी और देश में EV चार्जिंग पॉइंट के बुनियादी ढांचों को भी बनाएगी। चार्जिंग स्टेशंस को स्लो और फास्ट चार्जिंग सॉल्यूशंस के साथ डेडिकेटेड पावर सप्लाई के साथ विभिन्न आकारों में पेश किया जाएगा। अर्थात आपकी जितनी भी आवश्यकता है उस हिसाब से आपको चार्जिंग पॉइंट उपलब्ध हो जाएगा। EZ4EV का मानना है कि मोबाइल चार्जिंग इकोसिस्टम को बनाकर यह वो देश में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी को सॉल्व करने में मदद कर सकेगी। इसके साथ कंपनी का लक्ष्य इंडियन ईवी सेक्टर के लिए इंफ्रा सर्विस प्रदान करके इनोवेटिव चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर मार्केट में एक प्रमुख खिलाड़ी बनना है। एक पूरी तरीके से चार्ज किया गया EZ ऊर्जा चार्जिंग स्टेशन दोपहिया वाहनों और कमर्शियल वाहनों से लेकर प्रीमियम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को एनर्जी प्रदान करने में सक्षम होगा। दोस्तों कैसी लगी आपको यह जानकारी? अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।